ये कैसा हमारी होता? डेयरिंग मौसी चढ़ी हुई है पेड़ पे, देखा कोई नहीं जा पाया अभी तक, मैं तो कुछ नहीं जा सकती। और ये है घायल मम्मी, ये नहीं जा सकती है। और ये देखो और ऊपर चढ़ाइयाँ करती हुई। ये पूरा हम तोड़ दो, हमें पके पके वाली। हाँ हाँ वो वाला ऑरेंज वाला था जो, और मतलब लाल वाला था। दो मत दो ना एक साथ, ज़्यादा तल में जाते हैं लक्ष्मी हो जाएगा आज। ये किट्टू यही रख दो उनको, वहां की फेंक रहे हो, यहाँ रख दो। यार ऐसे फेंक रहे हो ना तुम यार, एक आगे में तो मैं फेंक लो, तो आप बनाओ मैं करता हूँ। तू आके दिखा ले, मैंने आदत लग रही है देखो, पता भी होगा मैं सीढ़ी में चढ़ाने आता हूँ कि नहीं, दर्द हो रखी। और चढ़ो, आज का वर्कआउट आपका यहीं खत्म होता है। मेरे टांग और मेरे हाथ ऊपर भी है ना, जाऊंगी अस्पताल। तो हमने इतने पुलम तोड़े हैं, ये देखो, ये देखो हमारे पुलम, ये अंगूर। तो इस पेड़ में जाकर मैंने सारे अमरूद अंगूर और पुलम तोड़े। नहीं खा रहे थे दादा, रहने दे हम खाते हैं। धन फिकर है इस सब पेन की छिछी, मैं लगी कि लागू आनुली शो छिछी। प्रियांशु आजा, प्रियांशु खाएगा। दद्दू आजा, बिनी दादा को तो नहीं बोला तूने? बिनी दादा को तो नहीं बोला? बुला भी बिनी दादा को। बिनी दादा हेलो एवरीवन, तो फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो दिन का समय हमने खाना ना खा लिया है और मैंने तोड़े हैं पूलम और अंगूर, आप लोगों ने देख लिया है पेड़ में जाके। तो सबसे पहले तो कैसे हो आप लोग, और आज का जो मौसम है, प्रियांशु को भी चाहिए। तो देखो आज का मौसम कुछ ऐसा है, बादल लगे हैं, थोड़ी थोड़ी हल्की धूप है, ऊपर कोहरा लगा है वो पहाड़ों की चोटियों में। दीदी अंगूर खा रही है, और देखो हमने मैंने इतने पूलम और अंगूर तोड़े पेड़ में चढ़ के। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का, आज ठंडा हो रहा है बिल्कुल, स्वेटर पहनने लायक मौसम। गाय वगैरह सब बांध दिए हैं गोठ में, आमा बैठे हैं खा पी के, अभी अंगूर खा रहे हैं आमा यहाँ बैठ के। और देखो पहाड़ों में धूप आई है हल्की सी वहाँ वो चोटी में, ये तो किरण आ गई है पुलम खाने के लिए। विभु सोया है अभी हमारा, बाकी बच्चे भी पुलम खा रहे हैं। तो पहाड़ी फ्रूट हमारे यहाँ के, तो इतने मजे आते हैं पहाड़ों में रह के। किरण दिल्ली से आई है, पहाड़ में मजे कर रही है ना प्रिय किरण। तो अभी शाम के 4 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ रिंग में भाभी लोगों के यहाँ। तो वहाँ इन्विटेशन है श्राद्ध में खाना खाने का, जा रही हूँ, पहुँचने वाले हूँ। बैठे हो ना? ना खड़े हैं। खड़े हो आप? बैठे गलियां भी सुरदा पंडित बन के खाना खा रहे हैं। रिश्तेदार सुरदा क्या तुम जो ठीक है? अरे प्रणाम, हाँ तुम ठीक? हम आज 3-4 दिन हो गया भाई, भात आज के जन दिया हमें, इससे खाली प्रसाद ऑर्डर। श्राद्ध का खाना बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे बैठे हैं हमारे अंकल और हमारा विभु। विभु इधर आ, चल बुआ पास आजा, परियां ले आजा, वहाँ जाते हैं, जा वहाँ जा, तो रे मम्मी के पास है दो दिन। हाँ शुभ आई रे ठीक है, तुम छह ठीक का घर छह? ओहो बच्चे बोला क्या ना ले यार, में थोड़ा सुस्त भी है। विभु बोल, शुभ आई रे नाची बची रो। तुम्हारे को तो नहीं हो रहा नाता नहीं? हमारे स्कूल जैसी, अरे स्कूल जाती है रात बात करूंगा, स्कूल जा मैं जा बोल अमक
अमा खा फूल गया बा फूल फूल गया आयन बोल बबलू ने देखा दिनो थोड़ा हमरा आयन तो सही अरे आयन बुआ और विपू ना अरे विपू ये विपू बोलता है विपू विपू विवान और विवान देख वो देख ऐसे कर दो ऐसे करो ऐसे करो वहां देख के कतो दिन रहला घर बाय बाय बोलो बाय बाय ओ फूल में लो में नाते गई गयो उनने खाली हरियाल बीमार है सी बीमार है अम्मा क्या कर रही तेरी अम्मा क्यों जी मम्मी और सुबह जन्ने हार सी लड़ ले रे लड़ो मत अंकल का दाला कट रहे हैं यहाँ पर शाम को तिमले के पात का दाला है तो इसका दाला भी बनता है और जितने भी गांव घर के बुजुर्ग लोग होते हैं वो शाम को ऐसे ही साथ में बैठ के बातें करते हैं आमा लोग ताई लोग दीदी भी बैठी है कुछ और बैठे थे सब चले गए हैं बच्चे पार्टी सब खेल रहे हैं किरण का क्या हो रहा है हाँ खाना बन रहा होगा तेरी मम्मी क्या कर रही है बाबू क्या कर रही तेरी मम्मी ओ इतना बवाला क्यों कर रखा है खाली कुछ करना है ना ना बस हो गया ये हो गया बस छोले बना रही है हाँ, काटना है कुछ काटना ना, ना काट दिया मैंने पीस भी दिया शॉप में बन बन गया ओ हीरो तो फ्रेंड शाम हो गई थी और मम्मी के घर में गाय के लिए दाला नहीं था तो हम लोग आ गए तिमले के सोले काटने के लिए मम्मी के गार्डन में घर के पीछे साइड और यहाँ मम्मी ने लगाई थी खूब सारी सब्जियाँ तो जिसमें मिर्ची देखो मम्मी की होने भी लग गई है यहाँ पर और मम्मी ने मूली भी बोई है तो यहीं पर पापा ने अपने ईंट भी रखे हुए हैं बना के घर में बनते हैं जो वाले ईंट हैं ये तो यहाँ से मैंने तिमले के पेड़ में जाकर तिमले के सोले काटे और पेड़ जो है ना काफ़ी बड़ा पेड़ था ये देखो सीढ़ी लगाकर गई मैं पेड़ में तो मैं हुई पहाड़ी रुखारी अपनी तारीफ भी खुद ही कर लेती हूँ कोई और तो करता है नहीं तो गई मैं इस पेड़ में देखो कैसे उधर भी ठहरा देना ना थोड़ी जा रही है क्या किस जगह तिमला बिना ले तो डालो ही नहीं चाहिए पाक रहा नहीं तो तिमला चाहिए हाँ तुम वाल में पाक देख रहा तो वाल तेरे वाल में वाल तो वाल ने तेरे हाथ चले तेरे हाथ रखा मल दो वाल ने उग जाला में जा तो मैं आ गई हूँ पेड़ से नीचे और पसीना देखो मेरे को इतना पसीना हो रहा है और पेड़ ना बहुत बड़ा है ये देखो सीढ़ी लगा रखी है उसके बाद और मेरे सोले हैं ये थोड़े दीदी लेके चले गई है सोले तो अब मैं भी लेके जाती हूँ इनको अब मिलती हूँ सीधे घर में और इस वाली आँसी से काटे मैंने देखो इसको कुछ कहते हैं मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा अभी कुछ होता है इस वाली आँसी का नाम आप लोगों को पता है तो बताना इसका नाम क्या होता है तो आ गए हम घर में अभी दीदी काट रही है दाला प्रियांशु खेल रहे हैं आज हमने आरू खाया तुमने आज अलग करना ट्यूशन तो पढ़ा ली अरे तो यहाँ दाला काटने वाला हथियार ऐसा होता है लकड़ी के ऊपर रख के ऐसा क्या क्योंकि बनाते हाँ तो इसको दाव कहते हैं दाव दाला काटने वाला होता है जो ये दाव बोलते हैं इस हथियार को इससे दाला काटते हैं ऐसे लकड़ी के ऊपर रख के
हर जन काटने आम काटने के लिए कितना बड़े आदमी है। अच्छा और है ना, तो रात हो गई है यहाँ तो बिल्कुल, तो हम जा रहे हैं आज किरण के यहाँ खाना खाने इनविटेशन में। एक कौन कौन है यहाँ, एक किरण आ गई मैं लगती करने लाकेरे लगी है। अंकल क्या कर रहा है, रायता ऐसा अंकल फिर ना हल्दी बाबा किरण की रोटी बन रही है आज लोगों के लिए। फोन मेरा चालू ही रहता है यहाँ, चाची की चाय बन रही है यहाँ पर ये। और 8:30 बजे हैं, 8:30 बजे भी यहाँ चाय बनती है देखो, रात के 8:30 बजे हमारे पहाड़ों में। तो कहीं मन मर्जी था तू चाय अच्छी, मैं हिंदू जन्म नया ना तो ना मना दे, मैं सिर्फ एक चाय वाल भाई हूँ दयाला। तो फ्रेंड्स खाना हमने खा लिया है, मनीष लोगों के यहीं खाया था आज, किरण ने बनाया था खाना, तो खाना भी ना खाकर आ गए हैं। अब लगा रही हूँ बिस्तर नीचे, ये रहा बिस्तर। तो दक्ष मैं और किट्टू नीचे सोते हैं, बाकी विनय मम्मी और दीदी ऊपर सोते हैं। तो इन लोगों को देखो ये मस्ती कर रहे हैं अभी यहाँ पर। तो इस ब्लॉग का एंड कर लेती हूँ यहीं पर, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हल्ला कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहे हैं।